Hello friends, welcome to our channel Brain Exploders, where we share all kinds of brain boosters, teasers, puzzles, riddles and stumping questions. Let's start our today's video. Friends, मैं last video के question को repeat कर देता हूँ. You are in a game. There are three doors in front of you. Behind one door, there is an expensive car. And other two doors are empty. You don't know which door has the car behind it. You are asked to choose any one of the doors and you do so. Host shows you another door which you have not chosen and that was empty. He again asks, would you change the door? What will you do and why? इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि आप एक गेम में हैं और आपके सामने तीन दरवाजे हैं जिसमें से एक के पीछे एक एक्सपेंसिव कार है और अदर टू जो हैं वह एम्प्टी हैं. आपको इसमें से कोई एक डोर सेलेक्ट करना है और अगर आप सही डोर सेलेक्ट करते हैं तो आप कार जीत जाएंगे. फॉर एग्जांपल, आपने अगर डोर ए सेलेक्ट किया तो होस्ट क्या करता है, आपको बी या सी में से एक डोर ओपन करके दिखाता है जो कि एम्प्टी निकलता है और अगेन आपसे पूछता है कि अभी आप अपने डोर को चेंज करना चाहते हैं. तो आपको बताना ये था कि आप अपने डोर को चेंज करेंगे तो क्यों और नहीं करेंगे तो क्यों. सो लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन. तो इस वीडियो के इस क्वेश्चन के हम लोग दो सॉल्यूशंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे. फर्स्ट मेथड में हम लोग प्रोबेबिलिटी यूज़ करके इसका सॉल्यूशन बताएंगे एंड नेक्स्ट मेथड में हम लोग विदाउट यूजिंग प्रोबेबिलिटी ओनली लॉजिक से इसका सॉल्यूशन बताएंगे. सो लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन. सो हियर इज द फर्स्ट मेथड यूजिंग प्रोबेबिलिटी. जब आपके सामने थ्री डोर्स हैं और आप उसमें से किसी एक डोर को सेलेक्ट करते हैं तो आपके कार जीतने की जो प्रोबेबिलिटी हो जाती है हो जाती है 1/3, क्योंकि किसी एक डोर के पीछे ही कार है. अब होस्ट क्या करता है, आपको एक ओपन करके दिखा देता है एक डोर जो कि एम्प्टी निकलता है. सो अब आपको पता चल जाता है कि कौन से डोर के पीछे कार नहीं है. एंड मान लेते हैं कि जो आपने डोर सेलेक्ट किया था अब आप उसे चेंज करते हैं. तो अगर उस डोर के पीछे कार थी तो जो अगर आप डोर चेंज करेंगे उस डोर के पीछे कार डेफिनेटली नहीं होगी. और जिस अगर आपने जो डोर चूज किया था उसके पीछे कार नहीं थी तो नेक्स्ट के पीछे कार डेफिनेटली होगी. इट मींस हमारी जो प्रोबेबिलिटी थी कार जीतने की इस वक्त वो 1 में सब्ट्रैक्ट हो जाएगी एंड ए ना होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी. दैट इज 1 - PA मींस 1 - दैट प्रोबेबिलिटी एंड वो हो जाती है 2/3. सो हम देख रहे हैं कि हमारी प्रोबेबिलिटी हमने जब डोर चेंज किया तो वो इंक्रीज हो गई. सो हमें यहाँ पे डोर चेंज करना चाहिए एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन. लेट्स मूव टू अवर अनदर सॉल्यूशन, सेकंड मेथड विदाउट यूजिंग प्रोबेबिलिटी. मान लेते हैं कि डोर ए के पीछे कार है बट आपको नहीं पता. सो आपको नहीं पता तो आप तीनों में से किसी भी डोर को सिलेक्ट कर सकते हैं. मान लेते हैं पहले आपने डोर नंबर ए को सेलेक्ट किया. सो होस्ट क्या करेगा कि आपको दूसरा डोर ओपन करके दिखा देता है. तो अगर दूसरा डोर उसने ओपन करके दिखा दिया आपको पता चल गया तो लास्ट मेथड के एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग ही आप डोर चेंज करते हैं तो आप कार हार जाएंगे और अगर आप डोर नहीं चेंज करते हैं तो आप कार जीत जाएंगे. अब आपने मानी कि डोर नंबर बी को सिलेक्ट किया था. सो उसने अगर आपने डोर नंबर बी को सिलेक्ट किया होता तो उसने क्या किया होता कि डोर नंबर सी को ही ओपन किया होता. और अगर अब आप अपने ऑप्शन को चेंज करेंगे तो डेफिनेटली आप ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट करेंगे और अगर आप डोर चेंज करते हैं तो आप जीत जाएंगे. एंड इसी तरह के सेम एक्सप्लेनेशन के साथ अगर आप डोर नंबर सी को आपने सेलेक्ट किया होता जो कि उसने डोर ओपन करके दिखाया है वो एम्प्टी निकला, इट मींस दैट वो डोर बी होता. और अगेन आप अगर अपने डोर को चेंज करेंगे तो वो ए होगा, मीन्स उसके पीछे कार होगी. सो आप फिर से कार को जीत जाएंगे. मीन्स जो कार जीतने की प्रोबेबिलिटी है या जो जीतने के चांसेस हैं वो डोर चेंज करने में ज़्यादा है. वो डोर चेंज करने में 2 गिनी है डोर ना चेंज करने में. सो यहाँ पे हमें डोर चेंज करना चाहिए एंड दैट इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन. सो लेट्स मूव टू अवर अनदर क्वेश्चन. देयर आर टू हाउसेस ऑन वन साइड ऑफ अ रोड. अ मिल्कमैन स्टॉप्स हिज बाइक समवेयर ऑन द रोड. देन फर्स्ट ऑफ ऑल
ही गोज टू फर्स्ट हाउस देन गोज टू अनदर हाउस एंड देन रिटर्न बैक टू द बाइक वेयर शुड ही स्टॉप हिज बाइक सो दैट हिज वॉकिंग डिस्टेंस इज मिनिमम किसी रोड की सेम साइड पर ही दो हाउसेज हैं और एक मिल्कमैन रोड पे अपनी बाइक को किसी जगह पे रोकता है और उस पॉइंट से चलकर पहले हाउस तक जाता है देन सेकेंड हाउस तक जाता है एंड आफ्टर दैट अपनी पोजीशन पे वापस आता है। अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि मिल्कमैन को कैसे पता चलेगा कि उसे किस जगह पर अपनी बाइक खड़ी करनी है सो दैट उसकी वॉकिंग डिस्टेंस जो हो जाए वो मिनिमम हो जाए। बट आपको एक बात दिमाग में रखनी है कि वो एक मिल्क मैन है एंड ही डोंट नो मैथमेटिक्स बट वो लॉजिक यूज़ कर सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता है तो हमें कमेंट करके बताइए और अगर आपके पास ऐसे ही और भी क्वेश्चंस हैं तो हमें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल पर सेंड कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।